Very very good morning and welcome to you in new vlog. You are watching Black Mountain Motor Vlog. Hey guys, नमस्ते and once again welcome back to my new vlog. आज के vlog बहुत ही छोटा होने वाला है और हमारा जो topic होगा आर्य कास्टर के बारे में, तो जैसा कि पता है आप लोग को कि पूरे एक महीने से जो है ना महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। तो खैर छोड़िए, अभी हम लोग ज़्यादा डिप्टी उसमें जाता नहीं है और जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाया है उसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ। और जब से न्यू गवर्नमेंट आई है तो सबसे पहले आते ही उसने पुराने गवर्नमेंट का जो फैसला था उसको पूरा पलट कर रख दिया है। यानी कि जो भी हमारा जो कार सेट का जो काम रुका हुआ था उसने आते ही पूरा अनाउंसमेंट कर दिया था, और जिसका हालांकि भारी विरोध भी हुआ था। और जो नए गवर्नमेंट ने जो आर्य कार सेट का पेंडिंग काम था उसको फिर से शुरू करने का जो निर्णय लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले समय में जो है ना ये हमको उसमें रफ्तार देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग का ऑलमोस्ट जो काम है ना कंप्लीट हो चुका है, और चूँकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी तो आदमी लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे, तो काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और ये जो नया डिसीजन जो हुआ है उसको ज़मीन पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। और जैसे जैसे कुछ प्रोग्रेस होता है उसे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि फेंसिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और साइड में आप देख सकते हैं कि पूरा ड्रेनेज का भी काम हो चुका है। और ये ड्रेनेज आगे जाके जो ना अंडरपास जो बना हुआ ना उसमें इसको अटैच कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का कोई भी पानी आएगा वो बाहर निकल जाएगा। कार सेट के लिए जो पेड़ का जो कटिंग हुआ था मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ था, और लेकिन हमको थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो कार सेट जब हमारा जो मेट्रो लाइन जब चालू हो जाएगा तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब पेड़ कट गया है उसके वजह से पूरा प्रोजेक्ट को रोक देना वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अभी इस तरह का यदि प्लान जो होता है फ्यूचर में आता है या प्रोजेक्ट, तो उसको बारीक से जो ना सोचना चाहिए कि अपना मेट्रो का भी काम हो या कोई भी प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो जाए और पेड़ भी कटिंग ना करना पड़े, उस तरह से इनको प्लानिंग करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं टनल के अंदर में और देखते हैं कि टनल में कितना कुछ काम हुआ है। टनल के अंदर में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और जस्ट हम लोग उसका वेट कर रहे थे आर्य कार सेट के बारे में, जो उसका भी डिसीजन हो चुका है। अभी मैं हूँ टनल में, अभी मैं जा रहा हूँ सिव्स स्टेशन की तरफ और देखते हैं कि स्टेशन एरिया में कितना कुछ काम हुआ है। हालांकि मैंने स्टेशन का जो ना वीडियो कुछ दिन पहले डाला था तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कितना कुछ काम हुआ है। You are watching Black Mountain Motor Vlog. ये जो मेरे लेफ्ट में जो आप बॉक्स टाइप का देख रहे हो इसको हम लोग वेंटिलेशन नोजल बोलते हैं। जब मेट्रो जो है ना 70 या 80 की स्पीड में जब रनिंग करेगी, जब हवा का दबाव जो बनेगा ना तो ये इसके थ्रू निकल जाएगा बाहर की तरफ।
ये जो मेरे सामने में जो कॉर्नर पे जो देख रहा है ना कॉलम टाइप का, इसको हम लोग PSD बोलते हैं। फिलहाल अभी एक साइड का काम चालू है और दूसरे साइड का भी काम तुरंत चालू होने वाला है। कहता हूँ कि मेट्रो का काम भी जो है ना रफ्तार आने वाली है आने वाले समय में, तो जैसे कुछ नया चीज़ अपडेट होता है मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी चलते हैं इसके टॉप फ्लोर पे, जिसको हम लोग कॉन्कोर्स स्लैब बोलते हैं, वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो ये मैं आगे है उसके जस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में है कॉन्कोर्स स्लैब है, तो अभी यहाँ पर टाइल्स का काम चालू है और साइड से जो है ना ये अपना फ्रेमिंग का काम चालू है। आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया था कि थोड़ा सा मेट्रो के बारे में आपको अपडेट दे दूँ, तो फिलहाल अभी यही अपडेट है। जैसा कुछ नया अपडेट आता है और मेट्रो लाइन 3 के बारे में मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से और शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं।